मुझे जो भी अच्छे दोस्त मिलते हैं मैं उनको देता हूँ, तो मैंने ये सोवनियर इन सब भाइयों को एक एक दिया है और उन्होंने मुझे ये प्यारा सा गिफ्ट दिया है, ये ऑलवेज ब्लेसिंग करेगा मुझे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो आई एम ग्रेट थैंकफुल टू यू और अच्छा लगता है यार, कुछ भी नहीं जाता ना, पैसा बड़ा सी चीज नहीं है, ये प्यार बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं गार्गी से थोड़ी सी दूर पे, 10 किलोमीटर दूर पे एक और जगह है कांगनी करके उस जगह पे जाएंगे, तो वो देखते हैं कैसी है। तो 10 किलोमीटर और दूर जाना है अभी हमें येरेवान से। तो आप ये तीनों चीजें एक ही टूर में कवर कर सकते हो, पर आपको लगभग $80 अगर आप एक बंद हो तो आपको कार से जाओगे तो $70 से $80 पे करने पड़ते हैं। पहाड़ों में ज्यादा लाइक करते थे, तो क्या पता क्या रीजन है कि पहाड़ों पे ही जाते हैं हर जगह। खैर अभी मैं उतर लूं फिर मैं आपको दिखाता हूँ गांगड़ी अमेजिंग व्यू यार। अभी मैंने ये चाइनीज़ बाइक का ट्राईपोड ले रखा है, इसी ट्राईपोड से मैं कुछ फ़ोटो खींचूंगा, सुंदर सुंदर फ़ोटो, जब मैं आर्मेनिया का टूर ख़त्म करूंगा लास्ट वीडियो में ये फ़ोटो यूज़ करेंगे हम लोग। और अभी हम परिंदा उड़ाने की सोच रहे हैं, यहाँ भी हम अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री के अंदर, गागाड़ नाम है इस मोनेस्ट्री का, गागाड़। तो बर्फ से ढकी हुई है गागाड़। अब मुझे इसकी हिस्ट्री तो पता नहीं है बट अच्छी बनी हुई है। काफी फिलिपिनी लोग आए हुए हैं पर ये बनी हुई बड़ी प्यारी जगह पे है ना यार, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़। ये देखिए ये एंट्री है, वाओ जस्ट इसी चर्च, ये ओल्ड चर्च है, दिख नहीं रहा कुछ भी, अंधेरा है। बहुत ही सुंदर बना रखी है यार। देखिए अंदर से पानी निकल रहा है और बर्फ बर्फ में चलने का कच्ची है। दिस वन इज द ओल्ड, जो देखिए पीछे जो बना हुआ पहाड़ों के अंदर जो बनी हुई है वो सही पुरानी है, ये तो बाद में बनाई गई सी लगती है। देखिए पत्थर देखो कैसे है, और आ जाओ तुम्हें गुफाओं में ले चलूं, उधर गुफाओं में चलते हैं। तो शाम हो गई है, ये आप अपने घर वापस चल रहे हैं तो आज हमें भी चलना चाहिए, आज तो हमारे पास हॉस्टल है।
ओके नमस्ते सलाम भाई। पूरा दिन घूमे हैं मजे से और घूम घाम के अभी हम हॉस्टल में पहुंचे हैं और हॉस्टल में आज भाई ने बोला कि मैं आज आपको चाइनीज खाना खिलाऊंगा वेजिटेरियन, तो आज वेजिटेरियन चाइनीज खाना खाएंगे और वो लोग बना रहे हैं कंटिन्यूसली। ये इन्होंने मशरूम और टमाटर प्याज व्याज डाल के बनाया, ये आपका गोभी, ये शिमला मिर्च और आलू भी काट रखे हैं, टमाटर भी काट रखे हैं और इसमें चावल तैयार हो गए हैं। तो इट्स रियली अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो तीन भाई चाइना से आए हैं और मुझे इंडियन को खाना खिला रहे हैं। क्या यार इट्स ये मजा है हमारे ट्रैवलिंग का। अगर आप मजा लेना चाहते हो तो घर से निकलो, ट्रैवल करो यार जितना भी कर सकते हो, दुनिया बहुत प्यारी है, घर पे पड़े रहो। आपके पास अब इंडिया से कोई मतलब बाहर से कोई आता है उसको होस्ट करो, उसमें भी एक मजा है। देखिएगा ओ गॉड वी थैंक यू फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू गिव अस। भाई ये प्रेयर हम स्कूल में करते थे तो आज मुझे याद आ गया है और खाना बन के रेडी है तो अभी हम चाइनीज खाना खाएंगे। तो कैन यू एक्सप्लेन दिस इज थांगबान शिहोंशि इन चाइनीज थांगबान शिहोंशि। ओके टमाटर में चीनी डाल रखी है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं आगे अंदर। एंड दिस वन इन चाइनीज इज चाओ युआनबाईसाई बोलते हैं। ओके एंड दिस वन इज वी कॉल इट टुडो चाओ शिजिजियो टुडो चाओ शिजिजियो टुडो चाओ छुछियो छुजिजियो छुजिजियो। एक्चुअली वो आलू और शिमला मिर्च की सब्जी है भाई, तो उसको टुजो थाउजो छो टुडो चाओ शिजिजियो। ओके एंड दिस वन इज सूप या एंड हाउ इज प्रोनाउंस इन चाइनीज वी कॉल इट भाई समझ कुछ नहीं आया पर खाना बढ़िया बना, खा के बताऊंगा कि कैसा बना है, कैसा स्वाद आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट, टूट पड़ो जवानो। बहुत स्वाद बना यार, बहुत अच्छा बना है, रियली अमेजिंग। मैंने चाइनीज खाना कई बार कोशिश किया पर ऐसा खाना नहीं मिला मुझे कभी। पता क्या फ़र्क पड़ा इसमें, मैंने इनको धनिया दे दिया, कुछ और दे दिया, वो इसमें डालने से थोड़ा इसका टेस्ट बदल गया, अपना लोकल टेस्ट भी इसमें आ गया, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा स्वाद लग रहा है मुझे तो, पर मज़ेदार। थैंक यू यार, खाना खा लिया है, बहुत अच्छा खाना बनाया था भाई। तो भाई को मैं वज्रासन सिखा रहा हूँ, वज्रासन करके और योगा सिखा दें भैया, हम अपने देश का भी कुछ किसी को सिखाना चाहिए तो। और भाई बता रहे हैं कि 2016 में जब दंगल मूवी आई, दंगल मूवी आने के बाद में चाइना में इंडियन मूवीज़ का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अच्छा लगा यार ये चीज़ सुन के कि, और कह रहे हैं कि मतलब वर्ल्ड वाइड है ना जो इंडियन कल्चर को बड़ा अच्छा वो मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम अपने कल्चर पर इतना ध्यान नहीं दे रहे पर बाहर के लोग हमारे कल्चर पर कितना ध्यान दे रहे हैं यार, ये सोचने वाली बात है। तो अपने कल्चर को अपने इस देश को बचा के रखो ना मेरे भाई, प्राउड टू बी एन इंडियन। गुड मॉर्निंग, एक महीने के रेस्ट के बाद में अभी हम धनों को तैयार कर रहे हैं और सारा सामान बिखरा हुआ है। हॉस्टल में हूँ, इसी हॉस्टल में मैं एक महीने से रह रहा था, इसी रूम में बहुत सारा रेस्ट हो लिया। सर्दी अभी भी है पर इतनी नहीं है कि हम चल ना पाएं। अभी मैंने कुछ काफ़ी कुछ डाल लिया है तो आज हम जर्नी स्टार्ट करेंगे दोबारा से, येरेवान को छोड़ देंगे अब हम नई सिटी की तरफ चलेंगे।